नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियंस की मौत के बाद जो है आदित्य ठाकरे का नाम जुड़ा हुआ है। जी हां, आदित्य ठाकरे की बात करें तो ये मामला जो है आदित्य ठाकरे की वजह से ये काफ़ी तूल पकड़ा और ये मामला अभी भी जो है सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं विवेक जोशी जी, सीनियर एडवोकेट हैं। हम इसे जानेंगे कि आदित्य ठाकरे जो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक इनर एप्लीकेशन दाखिल किए हैं, इससे क्या उनको हो सकता है कि क्या उनको रिलीफ मिल सकता है या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, ये मामला तो आपको पता ही है पूरा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दाखिल किया है, उस एप्लीकेशन से वो क्या दर्शाना चाहते हैं अपने आप को? क्या अपने आप को बचा रहे हैं या अपने आप को और मुसीबत में डाल रहे हैं? सर, ये मेरा अपना मत है जी, कि मुझे नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे जी को ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई है, जो मेरे ख्याल से राशिद पठान साहब ने करी है जी, उसमें इंटरवीनर बनने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इसमें इंटरवीनर बन के कोई फ़ायदा होने वाला है। उल्टा उन्होंने इंटरवीनर बन के इस मामले को ऐसा तूल दे दिया है कि जो भी देखो वो लगभग ये डिक्लेयर कर ही चुका है कि जैसे श्री आदित्य ठाकरे जो हैं वो एक क्रिमिनल हैं और इसमें उन्होंने मतलब इस हत्याकांड में वो शामिल है। बिल्कुल, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उनको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपके दर्शकों को मैं ये बता दूँ कि सर, एक्चुअल में ये एक नहीं है, तीन केस हैं जी। एक तो सुशांत सिंह राजपूत है, हाँ, दूसरा दिशा सालियन जी, तीसरा जो है NDPS का केस है, नार्कोटिक्स का जो केस है। अब लोग क्या कर रहे हैं, नार्कोटिक्स का केस को तो साइड में रख देते हैं और वो सारा का सारा डिस्कशन दिशा सालियान और अपना सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर लगाते हैं। देखिए क्या है, एक केस हुआ था जिसमें आरोपी में ये जो अभिनेत्री हैं रिया चक्रवर्ती जी, वो है इन इसमें, वो आरोपी है, उनका भाई आरोपी है, उसमें एक मिरेंडा नाम का आरोपी है और दो चार आरोपी और हैं जिसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने FIR दर्ज करी और इनको अरेस्ट किया जी। अब जब इनको अरेस्ट किया तो उसको करने से पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ में बहुत सारी चैट्स लगी थी, जो व्हाट्सएप पे चैट्स थी, उसमें ये दिखा कि जो ये जो आरोपी इसमें किए गए हैं उनके क्रेडिट कार्ड से, उनके डेबिट कार्ड से, उनके पैसे से उन्होंने जो है ड्रग्स खरीदी और उन्होंने ये कहा है कि भाई ये ड्रग्स हमने जो खरीदी, ये हमने सुशांत सिंह राजपूत के लिए खरीदी। अब उस मुद्दे पे इनको बेल तो मिल गई, लेकिन क्या है NDPS के केस में एक खास बात होती है, अगर आपके पास आपकी कस्टडी में ड्रग्स मिली हैं, अगर आपकी कस्टडी में 3 ग्राम से कम ड्रग्स मिली हैं तो उसको कमर्शियल क्वांटिटी में नहीं मान लिया जाता, वो पर्सनल यूज के लिए रहती हैं। बिल्कुल, तो पर्सनल यूज की जो 3 ग्राम ड्रग्स है उसमें आपको बेल मिल जाती है और बाकी सारी चीज़ें भी उसमें हो जाती हैं। उसमें आपको आरोपी मतलब आपके ऊपर आरोप इतना गहरा आरोप नहीं होता जितना कमर्शियल में होता है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मत है कि आप इसको क्वांटिटी को 3 ग्राम मत देखिए। मैं 3-3 ग्राम करके हर महीने में, हर रोज एक महीने में खरीदता रहा हूं, तो मैंने कितनी खरीद ली साहब, 900 ग्राम हो गए। तो मैं 3-3 ग्राम करके अगर खरीद रहा हूँ, 30 दिन में खरीद रहा हूँ, तो मैंने 90 ग्राम मतलब खरीद ली। और ये 90 ग्राम जो है मैं अकेला सुशांत सिंह राजपूत को तो नहीं दे रहा था। अब दूसरी चीज़ जो इसमें से निकल के आई है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो डिप्रेशन के मरीज थे, कोई कह रहा है उनको सिजोफ्रेनिया था, कोई कह रहा है भाई कुछ तो होगा, तो ठीक है उसकी कुछ रिपोर्ट होंगी, वो रिपोर्ट आज तक आई नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये ड्रग्स हम इनको देते थे, मतलब जो ये रिया चक्रवर्ती हैं उन्होंने राजदीप सरदेसाई जी के साथ एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मरुआना लेते थे, बीड लेते थे और एक बट नाम की कुछ चीज़ होती है वो भी ये लेते थे। तो ये पकड़े गए उस चीज़ के लिए, लेकिन उससे पहले दिशा सालियन का मर्डर हो गया या मतलब उनका सुसाइड हो गया, अभी तक ये राज मतलब इसके ऊपर जो जांच चल रही है उस जांच को अभी तक आगे सादर नहीं किया गया। उसके बाद ही कुछ दिन बाद जो है सुशांत सिंह राजपूत का भी डेथ हो जाती है। मैं इन दोनों को मर्डर इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इनके ऊपर जांच चल रही है। अच्छा, लोगों ने नई नई खबर चला रखी है कि भाई CBI ने उनको क्लीन चिट दे दी। किसको क्लीन चिट दे दी, आप ये समझिए क्रिमिनल वर्ल्ड में एक क्लियर चीज़ होती है कि जब FIR हुई, या तो FIR के खिलाफ पूरी होने इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो चार्जशीट फाइल करेगी, नहीं तो A, B और C समरी रिपोर्ट फाइल करेगी।
यानी कि ए में यह है कि भाई गुनाह हुआ होगा, गुनहगार हमें नहीं मिला। बी का मतलब है कि गुनाह हुआ है, एविडेंस हमें नहीं मिला। और सी का मतलब है कि ये बिल्कुल ही गुनाह हुआ ही नहीं था। तो ऐसी कोई खबर तो है नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि भाई सीबीआई ने या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस तरह की कोई चार्जशीट के साथ में ए बी सी समरी फाइल करी है। तो ये सारा जो मुद्दा ये बोल रहे हैं, ये मतलब एक हवाबाजी के तौर पर बोल रहे हैं। अब इसमें इन बिटवीन सर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो जाती है बॉम्बे हाईकोर्ट में जी, जिसमें मुद्दा यह है कि भाई आप जो है आदित्य ठाकरे को कस्टडी में लेके इंट्रोगेशन करो। पहली चीज सर जो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो किस चीज के लिए फाइल होती है? जैसे सर कहीं सड़क नहीं बन रही, कहीं पुल नहीं हो रहा, कहीं सड़क साफ नहीं हो रही, या मतलब नगर पालिका बराबर से काम नहीं कर रही, मिनिस्टर बराबर से काम नहीं कर रहा, देश के लिए कुछ खतरा है कुछ इतना, तो उसमें सर पीआईएल का मामला बनता है। गंगा जी में आप टैनरी बाहर है तो उसके लिए पीआईएल बनता है। इसमें पीआईएल बनने की क्या जरूरत थी? अभी देखिए जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी जी या उनकी सिस्टर जिन्होंने मतलब ये एफआईआर में एज ए फर्स्ट इन्फॉर्मेंट साइन किए होंगे, तो उनके पास सीआरपीसी में एक धारा है जिसको कहते हैं 173(8) जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन मतलब किया जा सकता है। उसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है, जब आप 173(8) में आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि भाई मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो मजिस्ट्रेट आपको ऑर्डर ग्रांट करेगा, उसमें आप जितना मर्जी इन्वेस्टिगेशन कराइए। पब्लिक इंटरेस्ट का इसमें मतलब क्या मामला हो गया कि भाई आदित्य ठाकरे जी के को आप मतलब उनको इंट्रोगेशन करो और कस्टोडियल इंट्रोगेशन करो? पहले तो सर सबसे बड़ी बात है सीबीआई इसमें है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें है, और महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई पुलिस मतलब भारत का स्कॉटलैंड यार्ड जिसको बोलते हैं वो इसमें है। अगर ये अपने आदित्य ठाकरे जी के खिलाफ कुछ सबूत हैं तो सर मुंबई पुलिस को या फिर सीबीआई को इनको इंट्रोगेशन करके इनको बुला के इनसे सवाल पूछने के लिए कोई रोक नहीं रहा जी। उन्होंने तो ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक, तो या तो ये कहें कि भाई इन दोनों एजेंसीज के ऊपर किसी का बहुत प्रेशर है जिसकी वजह से ये नहीं कर रहे। अब मान लीजिए इतने सारे लोग जो मतलब एसएसआर वॉरियर्स बन के अलग अलग चैनलों पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, तो मेरा ये पूछने का कि साहब अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप पहले इनको दीजिए। आज भी जो पीआईएल आपने वहां दाखिल करी है उस पीआईएल के साथ आपने कोई एविडेंस थोड़ी दिया है, कोई एविडेंस नहीं। अगर आपने एविडेंस दिया है तो माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट को तो डायरेक्टली इनसे पूछना चाहिए भाई ये एविडेंस जो तुम्हारे पास है तुमने इनको दिया सीबीआई को या मुंबई पुलिस को, तो आप लोगों ने अभी तक आदित्य ठाकरे जी को बुला के इंट्रोगेशन क्यों नहीं करा? तो आप ये सोचिए इतनी बड़ी संस्था मतलब सीबीआई है या ये चीज जो अपना मुंबई पुलिस है, ये इतनी बदनामी अपने सिर पे थोड़ी मोल ली जी। देखिए मर्डर हुआ या उन्होंने आत्महत्या करी ये एक जांच का विषय है, अभी तक इसको कंक्लूड नहीं करा गया, और जब तक ये कंक्लूड नहीं हो जाता तब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है जी। और अभी इसमें कोई भी आदमी जेल में तो है नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है इस समय पर। तो ये तो इसमें क्या लगता है सर कि आपने भी काफी इसमें देखा होगा, तो आदित्य ठाकरे कहीं रोल दिखता हुआ नजर आ रहा है आपके हिसाब से? सर जो भी रोल ठाकरे साहब के लिए बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई इनका मतलब वो स्पेकुलेशन है, वो जोड़ रहे हैं दिशा सालियन से। दिशा सालियन ने जो साइड की उसके पहले नहीं, उसमें एक गाड़ी वहां पे आई थी, गाड़ी गई, वो सीसीटीवी वहां से हटाया गया, सीसीटीवी क्यों हटाया गया और बाकी चीजें सामने। और कोई बोलता है कि दिशा सालियन की जब बॉडी नीचे थी तो कपड़े नहीं थे, तो काफी चीजें सही चीज क्या है वो सामने नहीं आ रही है। क्या पुलिस जांच जो जो खुलासा नहीं कर सकती है? देखिए पुलिस को मतलब अगर कोई ये आरोप लगा रहा है कि भाई पुलिस जो है मतलब गलत तरह से जांच कर रही है, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के हाथ से लेके सीबीआई को दे दिया जी। उसके बाद भी अगर आप कह रहे हो कि भाई ये चीज सीआईडी जांच भी बैठाई गई है, सीआईडी तो राज्य सरकार की, राज्य सरकार ने बोला कि भाई जांच करने से कोई मना नहीं करता आपको, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि ठीक है देखिए आप लोग बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे वहां पे थे जी। तो आदित्य ठाकरे पे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, कोई विवेक जोशी थोड़ी है वो जो अकेला कहीं घूम रहा होगा। वो तो सर मिनिस्टर था उस समय पे, तो उसके साथ में पूरा दलबल चलता है, उसके साथ उसका पीएसओ है, सब कुछ है, सबके थोड़ी मोबाइल बंद होंगे। आप डंप डेटा निकाल लो,
वो समय पे जिस समय पे दिशा सालियान की हत्या हुई, क्या उस समय पे डम डेटा में सुशांत सिंह राज जो ये अपने आदित्य ठाकरे जी जो हैं, इनके आजू बाजू के जितने भी लोग थे जो गनमैन सिक्योरिटी वाले हैं, सब कुछ है, आप उनको बुला के पूछो कि क्या आप उस समय पे लोकेशन पे थे? या टावर, ये मोबाइल टावर लोकेशन से भी मालूम पड़ेगा? नहीं, ये तो 100 मीटर क्लेम कर रहे हैं कि 100 मीटर पे मतलब ये लोग घूम रहे थे जहां पे दिशा सालियान की डेथ हुई, उसके बाद इन्होंने अभी जो एक भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सीसी पर्टिकुलर वो टाइम का सीसीटीवी भी गायब किया गया है, क्या आखिर भी किस रीजन हो सकता सर, है सर? जिस समय पे ये सब चीज हुई जी, उस समय पे कोविड चल रहा था जी। अभी ये कहना बड़ा आसान है कि जी सीसीटीवी गायब कर दिया सर, आज यहाँ इतनी सोसाइटियों में सब जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कम से कम 30% सीसीटीवी काम नहीं कर रहे होंगे। तो बाई चांस अगर वो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा हुआ तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसके पास जाता है सर? कहना बहुत आसान है कि आदित्य जी ने ये कर दिया, आदित्य जी ने वो कर दिया, अरे भाई सबूत भी तो किसी के पास होगा सर। सुसाइड बहुत होते हैं, बहुत सेलिब्रिटी सुसाइड करते हैं, बहुत सेलिब्रिटीज की हत्या भी होती है, लेकिन बस एक नाम, एक आदित्य ठाकरे जुड़ने की वजह से ये मामला इतना सुर्खियों में, आज 2 साल हो गया है, लेकिन 2 साल में अभी तक ये कोई नहीं बता पाया कि आखिर में आदित्य ठाकरे का रोल क्या था और आदित्य ठाकरे सही में इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। सर आप ये समझ लीजिए, अगर किसी का रोल नहीं है तो जबरदस्ती बनाया नहीं जा सकता, और अगर किसी का रोल है तो आप जितना मर्जी कर लीजिए वो रोल हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे जी का अगर इसमें रोल है तो आज नहीं तो कल वो सामने आएगा, और जिस समय भी सामने आएगा अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो आप ये मान के चलिए देश का कानून, देश का संविधान इतना स्ट्रांग है, देश की जुडिशरी, कि वो उनको सजा जरूर देगी। लेकिन अगर उनका कुछ है ही नहीं तो आपके कहने पर PIL फाइल करने पर कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैं बताता हूँ सर, सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर और उनके जीजाजी पुलिस में भी रहे हैं, और उनके एक सिस्टर और एक जीजाजी तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है वो क्रिमिनल प्रोसीजर से, भारत के क्रिमिनल प्रोसीजर से पूरी तरह वाकिफ है, वो क्यों नहीं आके कह रहे कि ये चीज हुई? हालांकि जिस समय पे जो जो भी मतलब रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं या जो भी फोटोग्राफ्स, उस टाइम पे आपको याद होगा कि जब सुशांत सिंह जी का डेथ हुआ था तो उस समय पे बहुत सारे जो फोटोग्राफ्स आई थी, कुछ फोटोग्राफ्स तो पूरे मीडिया में थी जिनको बाद में मतलब सरकार ने बोला कि भाई ये गलत बात है, ये देखने नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको देख के ये संशय तो पैदा होता है कि सुशांत सिंह राजपूत का मतलब जो डेथ है वो कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, और शायद सुसाइड भी ना हो, लेकिन मारा तो मारा किसने, ये बताएगा कौन? हाँ। ये बताएगा कौन? ये बताएगा सिद्धार्थ पिठानी जो घर के अंदर था, उनके साथ के जो 3-4 लोग थे जिनके जो कहते हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जी ने मतलब अनार का जूस मांगा, ठीक है? तो आप ये जो दिशा है, जो इन्वेस्टिगेशन है, आप उसके ऊपर बेस ना करके आप दुनिया भर की चीजें कर रहे हो। देखिए, एक ह्यूमन एलिमेंट जो है वो बहुत जरूरी होता है इसमें। ह्यूमन एलिमेंट में उस दिन सुशांत सिंह राजपूत जी कोई अपने घर में अकेले नहीं थे, चलो वो तो ऊपर से गिरी जी, कह देंगे पैर फिसल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में वो घर में अकेले नहीं थे, उनके साथ 4 लोग थे, 4 थे या 3 थे, जितने भी थे, तो सबका आपको नहीं, सबका स्टेटमेंट तो हुआ ही होगा, लेकिन क्या सबका स्टेटमेंट मैचिंग हुआ होगा या कि क्या क्या आपको लगता है? लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या सही तरीके से नहीं हुआ ऐसा लगता है? क्योंकि इसमें पुलिस ने भी जांच की, CBI ने भी जांच की, अब CID भी जांच कर रही है, तो क्या ये जांच का जांच चलता ही रहेगा लाइफ टाइम तक, या इसका कुछ खुलासा भी होगा? मेरे को ऐसा लगता है जी, हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं जी, हम लोग बहुत जल्दबाजी में हैं, हम लोगों को किसी ना किसी को तिलक लगाना है कि भाई इसने ये काम किया है। जांच एजेंसियां, कोर्ट इमोशन पे नहीं चलता, जांच एजेंसियां फैक्ट पे चलते हैं, जांच एजेंसियां एविडेंस पे चलती हैं, जांच एजेंसियां अपने प्रोसीजर पे चलती हैं। तो मेरे ख्याल से हमको वेट करना चाहिए, और आने वाले टाइम में अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने अपनी जांच कंक्लूड नहीं करी है, क्लोजर रिपोर्ट नहीं, कोई क्लोजर रिपोर्ट है नहीं, कहाँ है क्लोजर रिपोर्ट? अगर क्लोजर रिपोर्ट है तो क्लोजर रिपोर्ट चैलेंज करें, PIL फाइल करने की क्या जरूरत पड़ गई है? एक ऐसी सर एक कांड हुई थी दिल्ली में, आपको पता होगा, आरुषि हत्याकांड। हाँ हाँ जी, वो भी कितना बड़ा मीडिया तमाशा हुआ, क्या निकला बाद में? उसके माँ बाप को जेल में डाल जाना पड़ा। नहीं, तो जो उनके उसके तो लड़की के माँ बाप ने किया, तो तभी तो वो जेल में है जी। एक्चुअल में अगर आप उस केस में देखें तो CBI ने तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी कि भैया हमें नहीं मिल रहा, किसने किया। ये तो जो उसके माँ बाप थे उनको एक अंदर गिल्ट था, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आफ्टर मैथ, कि भाई ये क्या हो गया, तो उन्होंने जाके वो रिपोर्ट चैलेंज करी, फिर CBI ने दोबारा से जांच करी, और CBI ने बोला कि भाई लास्ट में ये आदमी अंदर थे,
और लास्ट सीन थ्योरी के हिसाब से यही उसके निकट थे, तो यही बताएंगे किसने हत्या करी। तो जो लड़की आपके आपके घर के अंदर, दरवाजे आपके चारों तरफ से बंद, आपके घर में हत्या हो रही है, तो भाई आप ही तो बताओगे क्या होगा। तो वो तो टोटल सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बेस पे था और उसमें चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस पूरी हुई। पूरी होने के बाद जो है उनको सजा मिली, लेकिन उसमें तलवार दंपत्ति जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने बोला कि अभी तक हमको न्याय नहीं मिला है, हमको जबरदस्ती जेल डाल दिया गया, तो कोई माँ बाप अपनी बेटी की हत्या कर नहीं सकता है। हेमराज का उसमें हत्या होना और ये सब काफी चीजें उलझी हुई थी, और मीडिया हंगामा होने के बाद जो है मामला जो है काफी तूल पकड़, क्या इसी तरह जो है मामला ये लगता है आपको? नहीं, वो मामला और सुशांत सिंह राजपूत जी का या दिशा सालियान का मामला अलग है जी। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए, और अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर हम मतलब कोर्ट में जाएं और ये बोलें कि भाई एक टाइम बाउंड तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजर किया जाए, जिसने किया है उसको सजा दी जाए, नहीं किया है तो मतलब क्लियर बताया जाए। ये धीरे धीरे सुसाइड का मामला बता के क्लोजर दे दिया जाए कि भाई दोनों मामला, मैं ये नहीं कह रहा कि सुसाइड का मामला बता के क्लोजर दिया जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन में क्लियर कीजिए ये सुसाइड था या मर्डर था जी, और उसके हिसाब से आप इसे क्लोज कीजिए। तब तक किसी भी आदमी के ऊपर ये एलिगेशन लगाना कि भाई ये था ये गलत है, लेकिन मैं लास्ट पॉइंट आपके चैनल में फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आदित्य ठाकरे जी को इंटरवीनर बन के इस PIL में जाना चाहिए था, ये उन्होंने गलत काम कर दिया। तो इससे उनकी प्रावधान मुसीबत बढ़ सकती है? बढ़ नहीं सकती, बढ़ गई है, बढ़ गई हैं। अगर उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, आज पूरे का पूरा चैनल, पूरा पूरा मीडिया उनके ऊपर चल रहा है, और ये कोई नेशनल चैनल नहीं चल रहा है, ये आपके यूट्यूब के चैनल जो है वो ज़्यादा बोल रहे हैं, और तो कोई नहीं बोल रहा जी। तो प्रॉब्लम तो बड़ी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बड़ी है, उनको झेलना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका चयन जो है वो आपकी नियति डिसाइड करेगी। बिल्कुल, क्या लगता है उसमें कुछ निकल सकता है उसमें? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा सर, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ निकलेगा। PIL में तो यही निकलेगा कि भाई ये PIL जो है मेरे हिसाब से डिसमिस होनी चाहिए। हाँ, फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की बात है तो 173(8) में सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले या दिशा सालियान के घर वाले जो हैं वो 173(8) में CRPC में मांग सकते हैं। इसके लिए PIL की कोई ज़रूरत नहीं थी, PIL जो है एक टाइम वेस्ट करने का तरीका है, बाकी कुछ निकलेगा, बाकी कुछ नहीं। यानी आदित्य ठाकरे को चाहते हैं कि उनको क्लीन चिट मिले, तो उनको क्लीन चिट से मिल जाएगा लगता है? नहीं, क्लीन चिट PIL के डिसमिस होने से तो नहीं मिलने वाली जी। क्लीन चिट तो उनको तभी मिलेगी जब कि इसकी क्लोजर रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट या समरी ए बी या सी समरी में से कुछ फाइल हो, तब तक वो मतलब संदेह के दायरे में है। धन्यवाद विवेक जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि दिशा सालियान सुशांत सिंह की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे नाम जो जुड़ा हुआ है, और उन्होंने जो अभी PIL दाखिल किया है और जो अपना रिपोर्ट दाखिल किया है कि उनको क्लीन चिट शायद मिल जावे, उसी पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन इसमें साफ साफ ऐसा समझ में आ रहा है कि उनको क्लीन चिट मिलना जो है इतना आसान नहीं है। आप क्या मानते हैं इस विषय पर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।